नम भगवते वासुदेवाय। हे मोर प्रिय भगवत प्रेमी श्रोता बंधुगण, आज सन्धार प्राचीनंद चैनल रु आज सन्धार भागवत चर्चा को आपण मन को आउ गोटे भाग पाई स्वागत जनाऊँगी। आसंतु शुणा आज सन्धार भागवत चर्चार कौन अच्छा आम या पूर्वर शुणुले मधुर मुनि कहते क्या महात्मा विदुर प्रभु विषय प्रभु देवदेव महादेव और माँ सती विषय यही अध्याय चली चतुर्थ स्कंदर तृतीय अध्याय पिता यज्ञ को जीवाक माँ को बहुत आग्रह दक्ष प्रजापति आउ प्रभु देवदेव महादेव टे मनमाली लगी समय माँ व्यस्त दक्ष प्रजापति यज्ञ कर सब समस्त निमंत्रण किंतु प्रभु देवदेव महादेव आ माँ सती से निमंत्रण करना जहाँफल माँ जब देखी समस्ते जाऊँ माँ को मन व्याकुल उठी आ प्रभु आपण अनुमति दिंतु आ मो पिता घर जी मोर भी माँ समस्त को टिके मिसी भी समस्त संगे टिके समय बीतेबि यही सब भाविकी माँ जोबले व्यस्त होती यापर प्रभु कौन कही आसतु शुणा। प्रभु शंकर कहले, हे सुंदरी तुम्हें जे कहल बिना डाकरारे बंधु घर को जीवा उचित ता तो ठीक हेले से बंधुजन देहाभिमान उत्पन्न मद क्रोध द्वेषादि दोष रहित होते ठीक है बोली विवेचित हेब विद्या तप धन सुदृढ़ शरीर युवावस्था और उच्चकूल यही छटी सत्पुरुष गुण बोली धरा जाए मात्र नीच पुरुष अवगुण हो जाए कारण यह द्वारा तर अभिमान बढ़ी जाए दृष्टि दोषयुक्त हो जाए और बेकपणिया नष्ट हो जाए तेणु से मैंने महापुरुष प्रभाव को जापार नादारा निज घर को आसी व्यक्ति को से कुटिल बुद्धि रोष भरा दृष्टि देखि था एपरी अव्यवस्थित चित्त लोक निजर बांधव बोली मानि घर को जीवा कदापि उचित नुहे शुणिले तो बंधु भगवान शिव निजे कौन ये उचित शिक्षा देउछन्ति माँ को ये सब माँ को नुहे सब आम मानी आमरी मनीष मानी ए भागवत सबकि अच्छा केवल आम मनीष मान शिक्षा पाइबा आसतु शुणा। हे देवी शत्रु बाण द्वारा विद्ध हो एपरी व्यथा हुए ना जेपरी कुटिल बुद्धि संपन्न स्वजन दुर्वचन द्वारा होता है देखुं तो बंधु प्रभु के बुझे टिकिनिखि कहते माँ को कारण बाण द्वारा शरीर क्षत हो गले अवसर निद्रा आसी जाए मात्र दुर्वचन द्वारा मर्मस्थान विद्ध हो गले मनुष्य से दिन राति अस्थिर हुए अवश्य तुम्हें परमोन्नति प्राप्त हो तुम पिता अधिक प्रिय हो पार तथापि तुम्हें मो आश्रित होता हेतु तुमको तुम बापा ठारु मान आदर मिलना कारण से मोठार अति रुष्ट और तापित तो होती जीवर चित्तवृत्तिर साक्षी अहंभाव यथासंभव शून्य हो जा महापुरुष समृद्धि देखि जार हृदय संताप और इंद्रिय व्यथाजात हुए से महत्पुरुष पदवाच्य हो पारे महत्पुरुष पदवाच्य हो पारे ना कहीं दैत्य मैंने श्रीहरी को द्वेष कलापर से व्यक्ति से महापुरुष द्वेष करे सुमध्यमा तुम्हें कहींपार जे प्रजापति सभार मुझे सम्मान कहीं नकली नम्रता भाव देखा प्रणाम करने आदि कार्य लोकव्यवहार दृष्टि परस्पर मध्य कराए मात्र तत्वज्ञानी द्वारा यह अन्य प्रकार भल ढंग कराए से मैंने समस्त हृदयाश्रित अंतर्जामी रूपे परम पुरुष वासुदेव को प्रणाम कर देहाभिमानी शरीरधारी पुरुष को नुहे देखुं तो बंधु एक्चुअली आत्मा सह जो मैंने परमात्मा को देखिपारती से मही पुरुषधारी यो मनीष रूपी कथबार्ता चालचलन से बहुत ऊर्धर उठी था से देहाभिमानी हो न था से भगवान माँ को कौन कहते विशुद्ध अंतकरण नाम वसुदेव अटे कारण से ही अंतकरण से भगवान वासुदेवंकर अपरोक्ष अनुभव हो पारे से ही शुद्ध चित्तस्थित इंद्रियातीत वासुदेव को ही मुझे प्रणाम करी थाए। हे प्रिय यही दृष्टि प्रजापति यज्ञस्थल
मो द्वारा किछि अपराध होइ नथिबा स्थले जे मते कटुवाणी रे तिरस्कार करथिला से दक्ष यद्यपि तुमर पिता मात्र मोर शत्रु होइथिबा कारणरु ताकु ओ तार अनुजाईंकु अनुगामीकु साक्षात करिबा तुम पक्षरे उचित नुहे। जदि तुम्हें मो कथा न मानि सेठाकु जीव तेबे तुमर भल हेबो नाही, कारण जदि कौनसी प्रतिष्ठित व्यक्तिर निजर आत्मीयजनक द्वारा अपमान हुए तेबे तत्काल तंकर मृत्यु समान हो जाए। इति श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारमहंस्या संगीताय वैशिक्या चतुर्थ स्कंदे नाम तृतीय अध्याय। हे बंधु, प्रभु आज एटि निजे विराम नेले, प्रभु तो निजे शुणिले तो प्रभु केते सरल रे माँ को बुझाऊ कौन कले कौन हम आउ तुम्हें सेठी जाओनी बोली मना करें पुणी आउ गोटे भागरे देखिबा माँ गले कि नहीं कि प्रभु को अड़े बस कि चली गले कौन है कि गले प्रभु कथा मान के गले ये रहिला आउ गोटे भागपी पुणी आपण मानक स्वागत जनइबी यही संध्या रे आउ गोटे भागरे आजपाई भगवान आपण मान प्रणाम करी रहुची। नमस्कार, जय जगन्नाथ।